एकाग्रता समस्त ज्ञान का सार है, उसके बिना कुछ नहीं किया जा सकता। साधारण मनुष्य अपनी विचार शक्ति का 90% अंश व्यर्थ नष्ट कर देता है और इसलिए वो निरंतर भारी भूलें करता रहता है। प्रशिक्षित मनुष्य अथवा मन कभी कोई भूल नहीं करता। मेरे विचार से तो शिक्षा का सार मन की एकाग्रता प्राप्त करना है, तथ्यों का संकलन नहीं। यदि मुझे फिर से अपनी शिक्षा आरंभ करनी हो और इसमें मेरा वश चले तो मैं तथ्यों का अध्ययन कदापि न करूं। मैं मन की एकाग्रता और अनासक्ति का सामर्थ्य बढ़ाता और उपकरण के पूर्णतया तैयार होने पर उससे इच्छानुसार तथ्यों का संकलन करता। एक विचार लो, उसी विचार को अपना जीवन बनाओ, उसी का चिंतन करो, उसी का स्वप्न देखो और उसी में जीवन बिताओ। तुम्हारा मस्तिष्क, स्नायु, शरीर के सर्वांग उसी के विचार से पूर्ण रहें। दूसरे सारे विचार छोड़ दो, यही सिद्ध होने का उपाय है। और इसी उपाय से बड़े बड़े धर्म वीरों की उत्पत्ति हुई है। शेष सब तो बातें करने वाले मशीन मात्र हैं। यदि हम सचमुच स्वयं कृतार्थ होना और दूसरों का उद्धार करना चाहें तो हमें गहराई तक जाना होगा। ज्ञान की प्राप्ति के लिए एकमात्र उपाय है एकाग्रता। किसी भी प्रकार के कार्य में सारी सफलता इसी एकाग्रता का परिणाम है। कला, संगीत आदि में उच्च उपलब्धियां मन की एकाग्रता के परिणाम है। जिस काम में जितनी अधिक एकाग्रता होगी वो कार्य उतने ही अधिक अच्छे प्रकार से संपन्न होगा। द्वार के निकट जाकर बुलाने से या खटखटाने से जैसे द्वार खुल जाता है, उसी भांति केवल इस उपाय से ही प्रकृति के भंडार का द्वार खुलकर विश्व में प्रकाश धारा प्रवाहित होती है। राजयोग में केवल इसी विषय की आलोचना है। अपनी वर्तमान शारीरिक अवस्था में हम बड़े ही अन्य मनस्क हो रहे हैं। हमारा मन इस समय सैकड़ों ओर दौड़कर अपना शक्ति क्षय कर रहा है। जब कभी मैं व्यर्थ की सब चिंताओं को छोड़कर ज्ञान लाभ के उद्देश्य से मन को स्थिर करने की चेष्टा करता हूं, तब न जाने कहां से मस्तिष्क में हजारों बाधाएं आ जाती हैं। हजारों चिंताएं मन में एक संग आकर उसको चंचल कर देती हैं। किस प्रकार से इन सब का नियंत्रण कर मन को वशीभूत किया जाए, यही राजयोग का एकमात्र आलोच्य विषय है। मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर उनकी मन की एकाग्रता की शक्ति में है। किसी भी प्रकार के कार्य में सारी सफलता इसी एकाग्रता का परिणाम है।
एकाग्रता के बारे में कुछ न कुछ प्रत्येक व्यक्ति जानता है। हम इसके परिणाम नित्य देखते हैं। कला, संगीत आदि में उच्च उपलब्धियां मन की एकाग्रता के परिणाम है। पशु में मन की एकाग्रता की शक्ति बहुत कम होती है। जो लोग पशुओं को कुछ सिखाते हैं, उन्हें पता है कि पशु को जो बात सिखाई जाती है उसे वो लगातार भूलता जाता है। वो एक बार में किसी एक वस्तु पर देर तक चित्त को एकाग्र नहीं रख सकता। मनुष्य और पशु में यही अंतर है। मनुष्य में चित्त की एकाग्रता की शक्ति अपेक्षाकृत अधिक है। एकाग्रता की शक्ति में अंतर के कारण ही एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से भिन्न होता है। हम लोगों के लिए ज्ञान लाभ का केवल एक ही उपाय है, निम्नतम मनुष्य से लेकर सर्वोच्च योगी तक को उसी उपाय का अवलंबन करना पड़ता है। ये उपाय है एकाग्रता। रसायनविद जब अपनी प्रयोगशाला में काम करते हैं, तब वे अपने मन की सारी शक्ति को एकत्र कर लेते हैं, केंद्रीभूत कर लेते हैं, और उस केंद्रभूत शक्ति का मूल पदार्थों के ऊपर प्रयोग करते ही वे सब विश्लेषित हो जाते हैं, और इस प्रकार वे उनका ज्ञान लाभ करने में समर्थ होते हैं। ज्योतिर्विद भी अपनी समग्र मन शक्ति को एकीभूत कर, केंद्रीभूत कर, दूरवीक्षण यंत्र के माध्यम से वस्तु के ऊपर प्रयोग करते हैं, जिससे घूमने वाले तारे और ग्रह मंडल उनके निकट अपने रहस्य उद्घाटित करते हैं। चाहे विद्वान अध्यापक हो, चाहे मेधावी छात्र हो, चाहे अन्य कोई भी हो, यदि वो किसी विषय को जानने की चेष्टा कर रहा है तो उसको उपयुक्त प्रथा से ही काम लेना पड़ेगा। ये एकाग्रता जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक मनुष्य ज्ञान लाभ करेंगे। मन की शक्तियों को एकाग्र करने के सिवा अन्य किस तरह संसार में ये समस्त ज्ञान उपलब्ध हुए हैं? यदि प्रकृति के द्वार पर कैसे खटखटाना चाहिए, उस पर कैसे आघात देना चाहिए, केवल ये ज्ञात हो गया तो बस प्रकृति अपना सारा रहस्य खोल देती है। उस आघात की शक्ति और तीव्रता एकाग्रता से ही आती है। मानव मन की शक्ति की कोई सीमा नहीं। वो जितना ही एकाग्र होता है उतनी ही उसकी शक्ति एक लक्ष्य पर केंद्रित होती है। यही रहस्य है।